श्रीमद् भगवत गीता में अब तक हमने 12 अध्याय की बातें सुनी और ये भी अच्छी तरह से समझा कि अर्जुन ने जो दिव्य स्वरूप देखा और वो दिव्य स्वरूप अगर ज्ञान के हिसाब से हम समझे तो कैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में जो 84 जन्म लगते हैं तो वो 84 चेहरे भगवान ने अर्जुन को कराए, दर्शन कराए कि किस तरह से वही आत्मा जब साधारण नर स्वरूप में आ जाती है तो मूढ़मती मनुष्य उनको पहचान नहीं सकते, अर्थात कि जो अपने अहंकार के नशे में होते हैं, जिसकी ईश्वर के तरफ विपरीत बुद्धि है, वो आत्माएं पहचान नहीं सकते हैं। और वो दिव्य स्वरूप कहा जाता 4 लोगों ने देखा, एक तो अर्जुन ने देखा, दूसरा जो है वो संजय ने देखा, तीसरा कहा जाता भीष्म पितामह ने देखा और चौथा वेद व्यास ने देखा। ये 4 आत्माओं ने विशेष ये दिव्य स्वरूप को समझा, देखा। उसके बाद हम सभी ने देखा कि अर्जुन के प्रश्न बदल गए, विशेषकर 12वें अध्याय में भक्ति योग। तो भक्ति माना ईश्वर से अनन्य प्यार, बहुत गहरा प्यार। और उस समय उसने प्रश्न फिर पूछा कि मुझे आपको निराकार स्वरूप में याद करना चाहिए या साकार स्वरूप में याद करना चाहिए। तो भगवान ने बहुत सुंदर कहा कि मैं जो हूं, जैसा हूं, उसी स्वरूप में मुझे याद करो। और उसमें डिफिकल्टी क्या होती है वह भी उसने बताया कि जब निराकार स्वरूप में याद करता हूं तो मन का भटकाव बढ़ जाता है और एकाग्रता कम होती है, क्योंकि आदत पड़ी हुई होती है साकार स्वरूप में याद करने की। भक्ति मार्ग में हमेशा हमने देवी देवताओं को साकार रूप में देखा और उसी में मन लगाने का प्रयत्न किया, कभी निराकार से डायरेक्ट तो मन लगाने का प्रयत्न किया नहीं। और इसीलिए हर एक को जब याद करने बैठते हैं तो यही शिकायत रहती है, मन एकाग्र नहीं होता है। तो तब बहुत सुंदर तरीके से उसको स्पष्ट किया कि कितने
तरीके से, या तो अभ्यास के माध्यम से याद करो। अच्छा, अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करो, तो याद होगा, याद हमारी बढ़ेगी। अगर कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल भी नहीं होता है तो श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि जब श्रेष्ठ कर्म का बल आत्मा में इकट्ठा होने लगेगा तो मन एकाग्रता को सहज विकसित कर सकता। मना विभिन्न तरीके से अर्जुन को समझाया, जो बाबा भी हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे आप यज्ञ सेवा करो या कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करो, पहले तो इंद्रियों का भटकाव, अनेक प्रकार की इच्छाओं में जो भटक रहा है तो इंद्रियों को डिसिप्लिन करो तो सहज हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आत्मा के अंदर पुण्य का बल इकट्ठा होता है और उस पुण्य के बल से सहज धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। मना मन की एकाग्रता न होने का मुख्य कारण है या तो हमारे पुण्य क्षीण हो गए हैं, या तो हमारे इच्छाएं बढ़ गई है तो डिसिप्लिन नहीं कर पाते हम कर्मेंद्रिय को, या तो प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए अभ्यास करने के लिए कहा, जब कोई चीज का बार बार प्रैक्टिस करते जाओ तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही हमारे अंदर धीरे धीरे परफेक्शन आएंगे। तो इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस के आज सोचा मन कल से एकाग्र हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे एकाग्र होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं 13वां अध्याय, और 13वें अध्याय के अंदर ये सृष्टि का नाटक 3 सत्ताओं के बीच में है, आत्मा या पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष। भावार्थ यही कि प्रकृति 5 तत्व की बनी हुई, साथ ही साथ पुरुष यानी आत्मा और परम पुरुष यानी परमात्मा। यहां उसको स्पष्ट किया गया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय का नाम यह है। क्षेत्र माना ये शरीर, ये जीवन जो कर्म करने का क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा जो करने वाली है, इस फील्ड ऑफ एक्शन पर जो कर्म कर रही है, तो उसका विभाग योग माना आत्मा की सत्ता क्या कार्य करती है, प्रकृति का कार्य क्या है और परम पुरुष परमात्मा का कार्य क्या है। इन तीनों को जैसे स्पष्ट किया जा रहा है, शरीर क्षेत्र है जिसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों है। धर्म क्षेत्र यानी जीवन के अंदर अच्छी धारणाओं का जब क्षेत्र बनाते हैं, या कर्म क्षेत्र युद्ध का मैदान, या तो जीवन संघर्ष वाला बनाओ कि एवरी टाइम स्ट्रगलिंग बैटलिंग जीवन के अंदर, या तो धर्म क्षेत्र यानी अच्छी धारणाएं जीवन के अंदर आती है तो जीवन के अंदर सुख शांति आनंद प्रेम ये सहजता से आ जाता है। तो इसीलिए कहा शरीर क्षेत्र है जिसमें धर्म क्षेत्र कहो और कर्म क्षेत्र दोनों है। जब शरीर रूपी क्षेत्र में दैवी संस्कारों का प्रभाव विशेष है तब वह धर्म क्षेत्र है। दैवी संस्कार यानी दिव्य गुणों की धारणा है, उसका प्रभाव विशेष है तब वह धर्म क्षेत्र है। और जब आसुरी संस्कार का प्रभाव कर्मेंद्रिय पर पड़ता है तब वह कुरुक्षेत्र बन जाता है। यानी जो इविल्स जब काम क्रोध लोभ मोह उसका प्रभाव पड़ता है तो नेचुरल है कि हमारी कर्मेंद्रिय उसी के आधार पर चलने लगती है और इसीलिए वो एक बैटलिंग क्षेत्र बन जाता है जहां व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान दिया है। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ज्ञेय परम पुरुष परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, ज्ञेय यानी जो ज्ञान का सागर है,
ऐसे ज्ञान के सागर परम पुरुष परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जो सब कुछ जानता है। और 20वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का संयोग, किस तरह से ये दोनों के संयोग से ही हमारे जीवन के अंदर पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये जीवन चलता है। तो इस विषय पर आज ये अध्याय है, छोटा सा अध्याय है, सबसे छोटा अध्याय माना गया है ये, कि जहां पुरुष प्रकृति और परम पुरुष के विषय में सारा ज्ञान स्पष्ट किया गया है। उसके बाद भगवान बहुत सुंदर बात कही, अर्जुन सवाल पूछता है कि प्रकृति पुरुष यानी क्षेत्र ये जीवन और क्षेत्रज्ञ आत्मा क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, ज्ञान किसको कहा जाता है और ज्ञान देने वाला कौन है, क्या है, मैं ये सब जानना चाहता। इसलिए कहा अब दिव्य साक्षात्कार के बाद अर्जुन के प्रश्न बदल गए कि अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट नॉलेज। अब उसके ज्ञान की प्यास खुलती है, तब भगवान उसको स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और किस तरह से वो परमात्मा सब कुछ बताते हैं और कहता है, यह शरीर एक क्षेत्र है, उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर फील्ड ऑफ एक्शन है और आत्मा उसको जानने वाली क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा भी सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है, सभी मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी जिसको कहा जाए, तो परमात्मा उन सब को जानने वाला है, यानी कंप्लीट ड्रामा को जानने वाला है। यही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है, अर्थात ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान को जानने वाला वो परमात्मा है। फिर उसको स्पष्ट करके कहते हैं कि पंच इंद्रियां क्या है, मन बुद्धि संस्कार क्या है, तो पंच महाभूत अहंकार युक्त मन और बुद्धि, पंच महाभूत अहंकार युक्त मन और बुद्धि, दसो इंद्रियां, पांच इंद्रिय विशेष अर्थात पांच कर्मेंद्रिय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात तथा जीवन के लक्षण, इन सब को कर्म का क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ये कुरुक्षेत्र है जहां ये पांचों इंद्रियों के वश मनुष्य कर्म करते हैं, जिसमें बोया हुआ अच्छा व बुरा फल इंसान को प्राप्त होता है, संस्कार के रूप में वो उगता है। तो ये सारा कर्म क्षेत्र वो स्पष्ट किया कि कर्म क्षेत्र के अंदर क्या क्या है, तो पांचों तत्व आ जाते हैं, पांचों इंद्रियां आ जाती हैं, और ये पांचों इंद्रियों के आधार पर मन बुद्धि और व्यक्ति का अहंकार काम करता है, और मन बुद्धि को भी डायरेक्ट करने वाला अहंकार है, तब जीवन के अंदर वो कुरुक्षेत्र बन जाता है, यानी बैटल फील्ड बन जाता है, जहां इंसान हर एक घड़ी जैसे संघर्ष करता रहता है, क्योंकि इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार के विकार है, तो नेचुरल है कि उस विकारों की पूर्ति नहीं होती है तो उसको अनेक प्रकार से बैटल तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कर्म क्षेत्र है। उसके बाद धर्म क्षेत्र किसको कहा गया, उसको भगवान स्पष्ट करते हैं कि धर्म क्षेत्र माना यथार्थ ज्ञान युक्त कर्म करने का आधार, जहां विनम्रता है, दंभहीनता, ये क्वालिटीज बताई है भगवान ने कि धर्म क्षेत्र में क्या क्या क्वालिटीज है। कर्म क्षेत्र को तो देख लिया, धर्म क्षेत्र में विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, दंभहीनता मन ईगोलेसनेस, अहिंसा सहनशीलता,
सरलता, सतगुरु का आज्ञाकारी बनकर चलना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, कि जहां इंद्रियों के आधार पर जीवन नहीं चलता है, निरहंकारी, वैराग्य, अनासक्त मन, जहां आसक्ति नहीं, नष्ट मोहा, हर परिस्थिति में संतुलित, बैलेंस्ड लाइफ, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, यानी एक की याद, एकांतवासी उपरांता, आत्म अनुभूति एवं परमात्मा अनुभूति, ये जहां लक्षण है हमारे जीवन के अंदर, तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए जब स्टार्टिंग फर्स्ट अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, भावार्थ यही कि पांडवों के जीवन में तो क्वालिटीज थी, तो धर्म क्षेत्र था उनका, और कुरुक्षेत्र ये कौरवों का स्थान था। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर जब कुरुक्षेत्र में हम है तो अनेक प्रकार के युद्ध है, और जब अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं अर्थात धर्म क्षेत्र उसको बना देते हैं, तो विजयी हर घड़ी अनुभव करते हैं। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर आगे गे और परम पुरुष के विषय में बताया, यानी परमात्मा का परिचय पुनः बहुत अच्छी तरह से दिया और कहा कि परमात्मा इंद्रियातीत है, ये इंद्रियों का आधार, माना उसके पास इंद्रियां नहीं है, इंद्रियातीत उससे ऊपर, इंद्रियों के प्रभाव से ऊपर है, वह निर्गुण, निर्गुण माना है तो सर्व गुणों का सागर, अनंत, लेकिन निर्गुण माना प्रकृति के तीन गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसके प्रभाव से वो परे है, वह निर्गुण एवं सर्व गुणों का सागर है। तो प्रकृति के तीन गुणों से परे लेकिन सर्व गुणों का सागर है, सूक्ष्म होने कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने व देखने से परे है। कितना स्पष्ट, हर बार परमात्मा के परिचय देने में भगवान ने ये बात बहुत स्पष्ट की है कि ये भौतिक इंद्रियां, यानी ये पंच इंद्रियां, वो उसके उसकी कैपेसिटी नहीं है जो उसको जान सके या देख सके, उसे परे है, न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड है और सबके प्यारे हैं। वह संसार में उत्पत्ति, पालना और संहार के करण करावन हार है। इस संसार के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश का महेश है, यानी त्रिमूर्ति है, उसके भी करण करावन हार, उसके द्वारा सारे कार्य कराने वाला है, वह प्रकाशमान है। बहुत स्पष्ट कह दिया, मैं प्रकाशमान हूं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप। मुझे याद आता है कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में पहला प्रवेश किया था तो यही परिचय दिया था, निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो प्रकाशमान है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का सागर है, और ज्ञान का लक्ष्य है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? जीवन ट्रांसफॉर्मेशन करना, यानी सर्वश्रेष्ठ स्थिति, परम धाम वाली अशरीरी स्थिति को प्राप्त करना। यह गे का संक्षेप में वर्णन है, गे मना ज्ञान के दाता का वर्णन है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, यानी बाप समान जिसको कहा जाए, परमात्मा समान, हम सहजता से उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष अनादि है, यानी उसका कोई आदि अंत नहीं है, नेचुरल है, ये तीनों जो है, आत्मा की भी आदि अंत नहीं है, ड्रामा की भी आदि अंत नहीं है,
तो पुरुष और प्रकृति जिससे ये खेल चलता है ये अनादि है, यानी ड्रामा कंटिन्यूअस चलता है। ये बात इस अध्याय में भगवान ने कह दी। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। कोई भी कर्म करना है तो कर्म करने के लिए जो कारण है माना कॉज जो है ये प्रकृति बनती है, अर्थात ये पंच तत्व बनते हैं। पुरुष और प्रकृति के योग से जीवन व्यतीत होता है, उसी से मनुष्य जीवन चलता है। पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर आत्मा और प्रकृति पांच तत्व ये मिलकर शरीर का भरण पोषण करते हैं, यानी उसको नरिश करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं, उसके साथ सुख दुख भोगता है। शरीर के साथ ही आत्मा सुख दुख भोगता है और स्वयं को उसका स्वामी मानकर अधीन करके चलाता है, प्रकृति को अधीन करके चलाता है। पांच तत्व को जैसे वो उसका मास्टर है, स्वामी है, ये समझ करके चलाता है और कर्म अनुसार वह मानव देह को प्राप्त करता है। आत्मा जो है अपने कर्म के अनुसार ही मानव देह को प्राप्त करता है। जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्म की गुह्य गति को समझ लेता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। मेन बात है जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है तो उस कर्म बंधन से अपने आप को परे करते जाते हैं, न्यारा करते जाते हैं। और इस अध्याय के आगे में भगवान कहते हैं इस ज्ञान के आधार पर आत्म अनुभूति आत्म साक्षात्कार ये कुछ लोग ध्यान द्वारा, बहुत सुंदर बात यहां भी कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है, तो कहा आत्म अनुभूति आत्म साक्षात्कार ये कुछ लोग ध्यान के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा रियलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा समझ के द्वारा, अर्थात कि जब हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान से भी सेल्फ रियलाइजेशन होता है, कुछ कर्म योग द्वारा, यानी कर्म तो छोड़ना नहीं है, कर्म तो अंत तक करना ही है, तो कर्म करते हुए जब अपने आप को अलग डिटैच करते हैं तब रियलाइजेशन कर सकते हैं कि मैं मालिक हूं, कर्म करने वाली हूं। कुछ कर्म योग द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। धीरे धीरे लैंग्वेज जो है थोड़ी कठिन होती जाती है, यानी नॉर्मल जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा कठिन शब्द आते हैं, लेकिन उसको समझना है। तो आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन करने के ये चार तरीके बताए कि कुछ ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, कुछ ज्ञान द्वारा, कुछ प्रैक्टिकल कर्मयोग द्वारा और समर्पण के साथ, जब डेडिकेशन के साथ नियत कर्म जो आवश्यक कर्म है उसमें जब हम प्रवृत्त हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, और जो उसकी विधि नहीं जानते वे लोग तत्व स्थित महापुरुषों द्वारा सुनकर आचरण करते हैं। कई बार जैसे दुनिया के अंदर भी कहते हैं सत्संग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो कहते हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसी से हमारे अंदर रियलाइजेशन होती है, या उनका प्रैक्टिकल जीवन देखते हैं तो उस जीवन देख करके, तो जिन महापुरुषों ने, जिन महान आत्माओं ने अपने जीवन में उसको धारण किया हुआ है उसके एक्सपीरियंसेस सुनने से भी या उनके जीवन को देख करके भी सेल्फ रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो ये चार तरीके बताए सेल्फ रियलाइजेशन के। फिर आगे कहते हैं जो पुरुष साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म करता है, डिटैच्ड होकर के कर्म करता है और सर्व के प्रति सम दृष्टि रखकर व्यवहार करता है,
हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है ये समझते हुए व्यवहार करता, ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है कि सब कुछ जानने वाला है, ज्ञाता है, ईश्वर को सर्वज्ञ जानता है, वह अपना शत्रु कभी नहीं बनता। कहते हैं ना, सोल इटसेल्फ इज अ फ्रेंड एंड अ फो, तो वह अपना शत्रु कभी नहीं बनता और वो श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेता है। तो कितनी सुंदर सेल्फ रियलाइजेशन के चार तरीके बताए, मेडिटेशन, नॉलेज, या महापुरुषों के द्वारा ज्ञान सुनने से, उनके अनुभव सुनने से, या कर्म योगी बनकर के अपने सारे कर्म ईश्वर अर्पण करते हुए। तो जब ईश्वर अर्पण का भाव आता है, समर्पण का भाव आता है, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। ये चार तरीके सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बताए। आगे फिर इस अध्याय में देखते हैं कि भगवान यही अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि विवेकहीन पुरुष, बहुत सुंदर बात यहां कही है कि जब ज्ञान को जीवन में नहीं लाते हैं तो विवेकवान पुरुष यह देखता है, जो विजडम को अपने जीवन में ले लेता है, तो विवेकवान पुरुष यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं और वह यह विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक दिव्य अविनाशी आत्मा है। माना सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करता है, खुद को भी सोल देखता है, दूसरों को भी सोल की दृष्टि से देखता है, सोल विजन डेवलप करता है, और सब में एक दिव्य अविनाशी आत्मा है जो शाश्वत है, इटर्नल है, जिससे वह कर्म बंधन में नहीं बंधता। आत्मा के लिए कहा कि वो इटर्नल है, और इटर्नल स्थिति में अगर सोल कॉन्शियसनेस में रह करके हर कर्म करते हैं तो कभी भी वह कर्म बंधन में नहीं बनता। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में दिया है, जिस प्रकार सूर्य एक है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ये नहीं कि हर एक चीज के अंदर सूर्य चला जाता है। यहां सर्वव्यापकता की बात को भगवान कितना सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य चला जाता है कण कण में, ऐसे तो नहीं कहा जाता। इसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य अपनी ज्ञान किरणों से सबकी चेतना में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जो जितना धारण करता है, ग्रहण करता है, वो हर एक के ऊपर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर एक में परमात्मा भी चला गया, ये नहीं कह सकते। और जो लोग ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेते हैं, यानी आत्मा और शरीर या जीवन के अंतर को समझ लेते, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेते, क्योंकि फिर उसके पुरुषार्थ को एक दिशा मिल जाती, और जब पुरुषार्थ को एक दिशा मिल जाती है तो वो श्रेष्ठ गति की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर इस अध्याय के अंत में बहुत सुंदर ये बात स्पष्ट किया। अब 14वें अध्याय के अंदर, ये भी छोटा सा अध्याय है कि जिसमें प्रकृति के तीन गुण स्पष्ट किए हैं। प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीन गुण है प्रकृति के, यानी आत्मा के प्रकृति, आत्मा की प्रकृति कौन सी, आत्मा का नेचर कौन सा है, तो उस नेचर के हिसाब से ये तीन गुणों का स्पष्टीकरण किया है। तो प्रकृति के तीन गुणों को स्पष्ट करते हैं, परमात्मा सतो रजो व तमो गुण के रहस्य को उजागर करते हैं, ये सीक्रेट स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। जैसा वायुमंडल होता है वैसा व्यक्ति बनता है, और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण होते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति व पुरुष से जगत की उत्पत्ति,
पांचवें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सत रज और तमो गुण की अभिव्यक्ति, माना कैसी पर्सनालिटी होती है, सात्विक पर्सनालिटी किसको कहा जाता है, राजसिक पर्सनालिटी किसको कहा जाता है और तामसिक पर्सनालिटी किसको कहा जाता है, तो ये तीनों पर्सनालिटी को स्पष्ट करते हैं। माना एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं मेरी पर्सनालिटी क्या है। और 19वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष का आचरण व लक्षण और उनसे परे होने की विधि, किस तरह हम ये सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से आत्मा को ऊपर ले जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। जितना जितना ज्ञान अपने जीवन के अंदर आचरण में आने लगता है उतना हमारा नेचर डिविनाइज्ड हो जाता है, और डिविनाइज्ड होने के कारण एक डिवाइन पर्सनैलिटी हम बना सकते हैं। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन मेरा स्थान, मैं इस संसार में नहीं रहता। फिर से यहां सर्वव्यापी की बात को कहते हैं, मेरा स्थान महत ब्रह्म अनंत शांति धाम है, मैं उस शांति धाम का रहने वाला, उसमें मैं गर्भ धारण करता। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, परमात्मा परम धाम में सारी आत्माएं भी जब मुक्त हो जाती कलयुग के अंत में तो सब परम धाम में चले जाते हैं। फिर कैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो कहा मेरा धाम परम धाम है, शांति धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता। गर्भ माना उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प, संकल्प एक बीज है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति की उत्पत्ति के लिए बीज तो चाहिए, जैसे एक परिवार के अंदर भी उत्पत्ति के लिए पुरुष का बीज होता है जो एक माँ अपने गर्भ में धारण करती है, तभी तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं संकल्प रूपी बीज को क्रिएट करता, स्फुरित करता, और प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है। यानी नेचर, वो कहा वो संकल्प जो बीज है वो ब्रह्मा बाबा को दिया, और इसीलिए ब्रह्मा बाबा के मन के अंदर उस बीज को रोपित किया, तभी तो कहा जाता ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को क्रिएट किया। लेकिन वो संकल्प का बीज कहां से मिला, वो परमात्मा से मिला, और वो परमात्मा से जो मिला हुआ बीज है उसको वो धारण करता है, और फिर प्रकृति के द्वारा शरीरों का निर्माण होता है, संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता और परमात्मा कहते मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। लेकिन कौन सी प्रकृति, ब्रह्मा बाबा की नेचर, ब्रह्मा बाबा की प्रकृति उस गर्भ को धारण करने वाली माता बन जाती। इसलिए कहा ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ भी है जो उस परमात्मा का संकल्प रूपी बीज को धारण करती है, और धारण करके फिर प्रकृति के द्वारा शरीरों की उत्पत्ति होती है। तो मात पिता के रहस्य को स्पष्ट किया कि किस तरह से संसार की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आगे भगवान ने कहा जो तीनों पर्सनालिटी को बताते हैं, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तमो ये तीन गुण अविनाशी देही यानी आत्मा को देह में बांधते हैं। क्यों हम शरीर के माध्यम से हम कनेक्टेड है, तो ये तीन गुणों के कारण हम कनेक्टेड है। जब सात्विक प्रकृति है तो हम कर्म बंधन मुक्त स्थिति में है, राजसिक गुण है तो कर्म बंधन का अनुभव करना शुरू करते, और तमो गुण में तो एकदम कर्म बंधन, हमारे हर कर्म बंधन के रूप में बनते हैं। तो सात्विक गुण कैसे हैं,
तो कहा निर्मल पवित्र, निर्मल माना पवित्र, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाले यानी बुद्धि को तेजोमय बनाने वाला, और निर्विकारी होने कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है। ये नहीं कि नहीं बांधता है, बांधता तो जरूर है। सात्विक गुण, कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, तो जब सात्विक गुण है तो संबंध में आता है, संबंध में बांधता है। निर्मल पवित्र बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है। रजोगुण क्या करता है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं आसक्ति से उत्पन्न मानो, वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है। और जो तमोगुण है अज्ञान से उत्पन्न होता है, विकारों के कारण है, तो जहां आत्मा को आलस्य निद्रा और प्रमाद में बांधता है। व्यक्ति का जीवन, आज दुनिया के अंदर कई लोगों का जीवन देखो, कितने बजे सोते हैं, 12 बजे 2 बजे के बाद सोते हैं और फिर 10 11 12 बजे तो उठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रमाद, निद्रा, आलस्य, उनको सुबह उठना नहीं होता है, लेजीनेस जीवन के अंदर। तो ये है इन विकारों में बांधने वाला गुण। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों पर्सनैलिटी को स्पष्ट किया भगवान ने। उसके बाद आगे देखते हैं कि जहां भगवान ये तमोगुण की प्रकृति को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि तमोगुण की प्रकृति क्या होती है। तो कहा तमोगुण की बुद्धि में अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म भी पशु समान, पशु योनि में नहीं जाता है लेकिन पशु समान अर्थात नरक समान जीवन होता है। कई लोगों के जीवन को देखकर क्या कहते हैं, इसे तो जो पेट्स है अपने घर में वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, कहते हैं ना ऐसे। तो उसको कहा कि वो तमोगुण की पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं वो ऐसी जीवन को प्राप्त करते हैं। उसके बाद भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि रजोगुण की बुद्धि कैसी होती है, तमोगुण वालों की बुद्धि। अब रजोगुण की बुद्धि कैसी होती है तो उसको बहुत सुंदर तरीके से भगवान वर्णन करते हैं। ये तो जरूर बताया कि कर्म बंधन में बंधता है, लेकिन उसका जीवन की क्वालिटी क्या होती है तो उसको हम देखेंगे कि जिसमें कहा भगवान ने कि जब रजोगुण में बुद्धि होती है, जब रजोगुण की वृद्धि जीवन में होती है तो अत्याधिक आसक्ति और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ होता है। द्वापर युग से जब आत्मा रजोगुण में प्रवेश करती है तो वहां आसक्ति, धीरे धीरे इच्छाएं उत्पन्न होती है और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ, जिसके कारण अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। द्वापर से धीरे धीरे अशांति शुरू होती है और अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति, इसलिए द्वापर के बाद दुख आरंभ होता है। रजोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनर्जन्म में जीवन बंधन का अनुभव करता है। जीवन तो मिला लेकिन जैसे एक प्रकार का बंधन महसूस करता है। ये रजोगुण के प्रकृति या पर्सनैलिटी को स्पष्ट किया। तो पहले तमोगुण की पर्सनैलिटी के पशु समान जीवन होता है और फिर रजोगुण की अभिव्यक्ति जब होती है तो कैसे उसकी पर्सनैलिटी बनती है, और फिर सात्विक गुण वाले की पर्सनैलिटी क्या होती है उसको भी बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं भगवान। और कहा कि सात्विक गुण वाला व्यक्ति हमेशा, जैसे कहा कि उसकी बुद्धि में तेज, प्रकाश,
और कैसे वो अपने कर्मेंद्रिय को अधीन करता है। तो जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान के प्रकाश से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान जैसे हमारी हर इंद्रियों में प्रवाहित होने लगता है, तो ज्ञान के प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है, तो सतो गुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है, सतोगुणी पर्सनैलिटी का अनुभव होता है। जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान का प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सतोगुणी कर्म से अर्जित फल, वो फल भी कैसा होता है, सात्विक, निर्मल यानी पवित्र, प्योर और ज्ञान युक्त होता है। और सत्व गुण की वृद्धि काल में, अगर मान लो कि सात्विक स्टेज में अगर मृत्यु को प्राप्त करने वाले की श्रेष्ठ गति होती है, यानी जब हम जीवन के अंदर ज्ञान के प्रवाह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेट इट फ्लो, वो ज्ञान को जब फ्लो होने देते हैं, और उस समय में अगर मृत्यु हुई तो नेचुरल है श्रेष्ठ गति। इसीलिए भगवान कहते कलयुग के अंत में, कलयुग को ही ये वरदान है कि जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तब वो ज्ञान का सागर जब ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान के प्रकाश को हम अपने जीवन में फैलने देते हैं, और ऐसे समय में अगर शरीर छोड़ना भी पड़ा तो नेचुरल है कि वो श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है। तो ये बहुत सुंदर बात भगवान ने स्पष्ट की। उसके बाद कहा जो गुणातीत है, तो अर्जुन उस समय प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं। गुणातीत माना जो गुणों के प्रभाव में या उससे भी न्यारा होकर के कर्म करता है, आचरण करता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो भगवान कहते गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। जैसे सतयुग के अंदर भले गुणों के आधार पर, सर्व गुणों के आधार पर जीवन है, लेकिन उससे भी परे है, उन गुणों के प्रभाव में कर्म कर माना कॉन्शियस नहीं है कि हाँ मुझे ये गुण यूज करना है, ये गुणों के आधार पर कर्म कर, उससे डिटैच्ड है, एक नेचुरल जीवन है। तो गुणातीत ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, साक्षी दृष्टा बन जाता है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में वो कार्य करते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित, अविचलित यानी स्टेबल एकदम, और निश्चल इम्पार्शियल, इम्पार्शियल और स्टेबल रहते हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित, सोल कॉन्शियसनेस के कारण बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में संतुलित मनस्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। कितनी सुंदर बात कही कि कितना डिटैच्ड, न्यारा। तो ये एक हमारे लिए आईना है जहां हम अपने पुरुषार्थ के आधार पर देख सकते हैं कि क्या मैं निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में बैलेंस्ड हूं, समान दृष्टि वाला हूं, सबके प्रति मेरी सोल कॉन्शियस दृष्टि है, धैर्यता है या अधीर्यता, इंपेशेंस है, और सबके साथ मेरा व्यवहार में कोई पार्शियलिटी है या इम्पार्शियल, उसको कहते हैं गुणातीत, के सद्गुणों के प्रभाव से भी ऊपर, न्यारा एकदम। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन के इस प्रश्न को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,
तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, वे किस विधि से गुणातीत बनते हैं, कैसे हम बन सकते हैं? कहा ना अभी उसके क्वेश्चंस बदल गए सारे, पहले तो कैसे क्वेश्चन थे और फिर जैसे ही अनुभव हुआ परमात्मा का, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या होगी। तो भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित स्टेबल रहता है, अविचलित भाव रख, अव्यभिचारी, माना व्यभिचारी नहीं, दस लोग दस को याद नहीं करता, एक को याद, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है। सानिध्य माना मेरे नजदीक, मेरे समान बन जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख, परम आनंद का आश्रय, है ना। भगवान यही क्वालिटीज को रेडिएट करते हैं, अविनाशी अमृत, ज्ञानामृत, शाश्वत, इटर्निटी, इनको रेडिएट करते हैं और परम सुख और परम आनंद का आश्रय। इसलिए लोग, महात्मा लोग जो है ना, जीवन के अंदर उनको पूछो, कोई भी महात्मा को, कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों संन्यास धारण किया है, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने संन्यास इसलिए धारण किया कि परम आनंद का अनुभव करना है। क्योंकि वो जानते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में हम अगर चले जाएंगे, ये विकारों के वशीभूत हो जाएंगे, तो वो परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो उनका परम आनंद और परम सुख का अनुभव करने के लक्ष्य से ही वो संन्यास धारण करते हैं, है ना। और वो इस भाव से विचलित न हो जाए, उसके लिए तो ये गीता से ही उन्होंने वो लक्ष्य को प्राप्त किया कि हमें गुणातीत बनना है, ऐसे जीवन जीना है जहां परम सुख परम आनंद हो, और इस लक्ष्य से विचलित न हो, इसलिए वो अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं मुक्तानंद, मुक्त रहो तो आनंद का अनुभव होगा, ये विधि अपनाते हैं। कई लोग कहते हैं दयानंद, दया की क्वालिटी को अपनाओ तो आनंद का अनुभव होगा। कई लोग कहते हैं सत्यानंद, सत्य की वैल्यू को अपनाओ तो शायद आनंद का अनुभव होगा। कई लोग कहते हैं जैसे विवेकानंद, के ज्ञान विवेक को जीवन के अंदर ले आओ, विजडम को ले आओ तो आनंद का अनुभव होगा। तो इस प्रकार लक्ष्य बनाते हैं कि गीता में भगवान ने यही कहा है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, परम सुख परम आनंद का अनुभव करना। तो सन्यासी लोग अपने जीवन के अंदर इसी लक्ष्य को अपनाते हैं और इसीलिए ये नाम रखते हैं कि नाम जैसे स्मृति में रहेगा तो कोई भी उस नाम से पुकारेगा तो तुरंत, अगर मन इधर उधर चला भी गया किसी और चीजों में, तो कम से कम हम वापस अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाए। तो इसीलिए गुणातीत बनने की विधि जो भगवान ने गीता में बताई, तो उसको सन्यासियों ने अपने जीवन में एडॉप्ट किया। उसके बाद आगे के इस अध्याय के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट अध्याय में हम जाएंगे, गुणातीत के बाद जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। अब यहां बहुत गहरी बात भगवान ने स्पष्ट की है। कौन सी गहरी बात? कि संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत उसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह ज्ञानी है। एक बात मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कल्प वृक्ष का वर्णन सिर्फ गीता में मिलेगा, न कोई वेदों में मिलेगा, न कोई उपनिषदों में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। और अभी तक भी मनुष्य इस कल्प वृक्ष के विषय में समझे नहीं है गीता के आधार पर, क्योंकि ये बहुत गहरा है। तो भगवान एक ही है जो इस कल्प वृक्ष का वर्णन कर सकते हैं।
ये सबसे छोटा अध्याय है गीता का, 20 श्लोक वाला। पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक संसार, वृक्ष एवं परम धाम। सातवें अध्याय श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक जीवात्मा के संस्कारों के अनुसार उसकी गति। 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक परमात्मा की अभिव्यक्ति, और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान। क्षर माना जो विनाश, अक्षर माना अविनाशी, और पुरुषोत्तम जो इन दोनों से परे है, पुरुषों में उत्तम, उसका ज्ञान स्पष्ट किया है। अब ये संसार एक वृक्ष के समान कैसे है, और पुनः परम धाम का परिचय भगवान देते हैं और कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से कहा, यह संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है। यानी कितना स्पष्ट बोल दिया है कि परमात्मा ये संसार रूपी वृक्ष में नहीं है। कितने बार बार सर्वव्यापकता की बात भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मेरा धाम परम धाम है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत, यानी ये प्रकृति के 5 तत्व और उसकी शाखाएं, प्रशाखाएं, ब्रांचेस और सब ब्रांचेस है। ये कल्प वृक्ष अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है, इट्स कॉन्स्टेंट चेंजिंग, है ना, सदाकाल के लिए एक जैसा नहीं रहता है, इट इज एवर चेंजिंग। जिसका बीज रूप परमात्मा है ना, बीज कौन है, परमात्मा। तो इस कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य अंत को समझ नहीं पाता, इसलिए ईश्वर के बारे में कैसी कैसी बातें कह दी। क्यों? क्योंकि कोई जानता ही नहीं बीज क्या है और बीज कैसा है। कोई भी उसको समझ नहीं पाता क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कोई झाड़ ही नहीं है, उल्टा झाड़ कोई है ही नहीं, इसीलिए कोई उसको देख नहीं सकता न समझ सकता है। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता वह वेदों का भी ज्ञाता है, माना उसको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सारा ज्ञान स्वरूप बन जाता है। मुझे याद आता है कि जगदीश भाई जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो सबसे आदि स्टूडेंट कहे, जो बाबा के पास आए थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और जगदीश भाई के विषय में आप सभी ने सुना भी होगा, इस यज्ञ का एक पिलर के रूप में माना जाता था। उसने बहुत शास्त्र पढ़े थे लेकिन वो शास्त्रों में जैसे पूर्ण नॉलेज नहीं है, वो समझ लेते थे, समझ गए थे। इसीलिए जब कोर्स करने आए तो सारा कोर्स करने से पहले जब प्रदर्शनी देखी तो कोर्स करने की भावना उनके अंदर कब आई, तो जब उन्होंने कल्प वृक्ष का चित्र देखा तो उनको याद आया कि ये चीज खाली गीता में है और आज पहली बार मैंने कोई प्रदर्शनी में देखा है। तब उसके अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे कोर्स करना है, क्योंकि उसको कल्प वृक्ष के बारे में समझना था कि आखिर ये कल्प वृक्ष क्या चीज है जिसका गीता में सबसे छोटा अध्याय बताया गया है, माने खाली टच किया हुआ है लेकिन उसका संपूर्ण नॉलेज नहीं है। इसके कारण उन्होंने कोर्स किया, और जब कोर्स किया तो निश्चय बुद्धि बने, इस कल्प वृक्ष का जब लेसन मिला, बस सारे क्वेश्चंस खत्म, और सारे क्वेश्चंस खत्म हो करके बस उन्होंने इसको जीवन का एक हिस्सा बना करके अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ गए, समर्पित हो गए। तो इसीलिए कल्प वृक्ष का ज्ञान और कहीं नहीं है, तभी कहा जिसको मूल सहित यानी उस बीज परमात्मा सहित ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाते, वो वेदों का भी ज्ञाता। भारत के अंदर कितने वेद बताए हैं लेकिन सारे वेदों के ज्ञाता बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि आज मैं तुझे मूल सहित इस कल्प वृक्ष का ज्ञान देता हूं।
क्या दिया ज्ञान, अब आगे सुनो। तो भगवान उसको कहते हैं, और आगे। हाँ, तो फिर भगवान उसको कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। आप देखेंगे कि ये कल्प वृक्ष की जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस के भी तीन कलर्स दिखाए हैं, और ये तीन कलर में सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों स्पष्ट किया हुआ है। सात्विक को प्योर दिखाया है, जैसे आप इस वृक्ष को देखेंगे ना, तो थूर में नीचे भी सात्विक उसका ट्रंक में दिखाया है, और जो है बीच में फिर धीरे धीरे सिल्वर हो गया, सिल्वर के बाद कॉपर और कॉपर के बाद आयरन। इसी तरह ब्रांचेस को भी देखेंगे तो जब वो धर्म पिता आकर के उस धर्म की स्थापना करते हैं तो ओरिजिनली वो धर्म एकदम प्योर होता है, तो वो सात्विक स्टेज में होता है। फिर धीरे धीरे वो भी राजसिक स्टेज में जाता है, इम्प्योरिटी की तरफ, और फिर उसके बाद की ब्रांचेस के अंदर कितने फाटे हो जाते हैं, कितने पार्टीशंस हो जाते हैं, जैसे कि ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होने लगती है। तो आज आप देखो प्रैक्टिकली एक क्रिश्चियन धर्म को ले लो, तो क्रिश्चियन धर्म की जो इम्प्योर स्टेज आ गई है तो कैसे कह सकते हैं, तो कहा इसमें कैथोलिक है, रोमन्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, रोमन कैथोलिक है, रोमन प्रोटेस्टेंट्स है, तो इस प्रकार तो जो ब्रांच है उसके भी सब ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस, तो कितने सब ब्रांचेस हो गए। इसी तरह कोई भी धर्म, मुस्लिम इस्लाम धर्म को देखो तो इस्लाम धर्म में भी सुन्नी या सुया इस तरह से दो बताए गए हैं, और उसके भी सब ब्रांचेस कितने हो गए आज, है ना। तो हर धर्म के अनेक ब्रांचेस हो गए, बौद्धियों के भी कितने ब्रांचेस हो गए। आप अगर ईस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो कितने प्रकार के बुद्ध के चित्र मिलेंगे। इनफैक्ट आप अगर भारत में भी सारनाथ की तरफ जाएंगे आप, तो वहां पर भी बुद्ध के हर धर्म के अलग अलग चित्र मिलेंगे। कि थाईलैंड का बुद्ध अलग होगा, तो चाइनीज का बुद्ध अलग होगा, जापानीज का बुद्ध अलग होगा, हर एक की अलग अलग ये बताई है। और इसीलिए भले मानने वाले एक बुद्ध को, लेकिन आज उनमें भी कई प्रकार की सब ब्रांचेस हो गई है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसलिए कहा है इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है, उसकी टहनियां इंद्रिय विषयक है, यानी बस इंद्रियों का सुख चाहने वाली है, जो इंद्रियों का सुख चाहती, जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है, हाँ, जो हरेक मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधती है। मैं उस आदि पुरुष, इस कल्प वृक्ष के ऊपर लास्ट में आप देखेंगे कलयुग के ऊपर आदि पुरुष है, और वही आदि पुरुष नीचे उसके फाउंडेशन में भी दिखाया है। तो आदि पुरुष ब्रह्मा बाबा है, आदि पुरुष के तन का आधार लेता, कैसे इस संसार में आता है, तो उसके तन का आधार लेता हूं, जहां से ये पुरातन प्रकृति प्रस्तुत हुई, यानी उस फाउंडेशन में जहां से नया वृक्ष शुरू होता है, वह आदि पुरुष वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा कैसे इस पुराने कल्प वृक्ष को काट करके नए वृक्ष के आरंभ करता है, तो वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा, हाँ, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट जिसको कहा जाए, तो वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमो गुणों की मजबूत जड़ों को काटकर पुराने वृक्ष को खत्म करके परम को प्राप्त कर लेता, यानी वो श्रेष्ठ गति को परम धाम जाता है, थोड़े देर रेस्ट करता है, फिर नीचे आकर के नए वृक्ष को आरंभ कर देता है। तो इस तरह से पुराने वृक्ष कटता है और नए वृक्ष की सर्जना होती है, यानी जो सैपलिंग लगाया है
फिर वो सैपलिंग के आधार से चलता है। आगे फिर इस वृक्ष के बारे में जो कहा भगवान ने, तो कहा किन गुणों में से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त करता है। अर्जुन का प्रश्न है कि कौन से गुण होने चाहिए जिससे उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। परम पद कौन सा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। तो ब्रह्मा सो विष्णु बना, तो उस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है, किन गुणों के आधार पर, यह अर्जुन का प्रश्न। क्योंकि अब उसके अंदर भी इच्छा जागृत हुई, मैं भी नर से नारायण बनूं, है ना। तो हरेक इंसान जो पुरुषार्थी है उसको पूछा जाए राम सीता बनना है या लक्ष्मी नारायण बनना है, तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना। तो कहा उसके कौन से गुण है, तो अब ये देखो अपने अंदर ये गुण आया है जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया है। मान यानी अभिमान, अभिमान और मोह निवृत्त डिटैच्ड हो गया उससे, जिसने संग दोष को जीत लिया है, इविल संग में नहीं जाता है, जो आत्म स्थिति में स्थित होता है, यानी जो सोल कॉन्शियस स्टेज में सदा रहता है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज में आ जाता है, और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आ गया है, सुख दुख उसको प्रभावित नहीं, ऐसा ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है, यानी नर से सो नारायण बनता है। क्योंकि कलयुग के बाद फिर सतयुग, ये चक्र तो कंटिन्यू होता है, तो उसके बाद उस परम पद को वो प्राप्त होता है। और उसके बाद इस अध्याय के अंदर और ये परम धाम के बारे में भगवान कहते हैं, मेरा वह परम धाम जिसे न सूर्य न चंद्र न अग्नि प्रकाशित कर सकता है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, दिव्य लोक है जहां दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, कि सूर्य का प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश तो वहां पहुंच भी नहीं सकता है, न चंद्रमा का प्रकाश वहां पहुंच सकता है, न अग्नि का प्रकाश है, लेकिन एक दिव्य लोक है परम धाम जिसको कहा गया वो दिव्य लोक मेरा धाम है। और उसके बाद एक बहुत सुंदर गहरी बात यहां बताई है कि जो तीन गुणों द्वारा पोषित है तो किस तरह के संस्कार होते हैं। जब यहां से जाती है आत्मा परम धाम में, तो वहां कहां स्टेबिलाइज होती है, तो परम धाम में जो उल्टा वृक्ष है, तो हर आत्मा भी अपने अपने स्टेज तक, पुरुषार्थ द्वारा जिस स्टेज तक पहुंचती है उस स्टेज में वो कैसे स्थित हो जाती है। तो भगवान कहते सर्व आत्माएं मेरी संतान है, भगवान के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं, सर्व आत्माएं मेरी संतान है, और शरीर त्याग करते समय, शरीर त्याग करके परम धाम जाना है हर एक आत्मा को, तो शरीर त्याग करते समय जीवात्मा मन बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रिय के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाती है। मना मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों में जैसे उसके सारे कर्म जैसे वाइंड अप हो जाते हैं, समा जाते हैं, और नया शरीर धारण करती है। यदि मरते समय संस्कार, लास्ट में शरीर छोड़ते समय, जब कलयुगी दुनिया छोड़ना है उस समय यदि संस्कार सात्विक है, तो वह आत्मा सतो प्रधान स्तर तक पहुंचकर सतो प्रकृति वाला शरीर धारण करती है, है ना। परम धाम में भी वो एकदम जो ट्रंक है उस ट्रंक में पहुंच करके फिर जब वहां से नीचे सतयुग में आएगी तो सतो प्रकृति वाला शरीर धारण करती है। यदि संस्कार राजसिक है, राजसी है, तो वह आत्मा रजो प्रधान स्तर तक पहुंचकर, है ना, वो ब्रांचेस जहां से शुरू होती वहां पहुंचकर फिर द्वापर युग से रजो प्रकृति वाला शरीर धारण करती है, वो सतयुग त्रेता में नहीं आती है। और यदि संस्कार तामसी है,
तमो प्रधान ही रहे तो वह आत्मा लास्ट में तमो प्रधान ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस में पहुंचकर, परम धाम में भी उल्टा वृक्ष है तो वहां पहुंचकर तमो प्रकृति वाला, माना कलयुग में ही आकर के तमो प्रकृति वाला ही शरीर धारण करती है। यह रहस्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देखते हैं। इतनी सुंदर बात है, यानी ये आंखों के द्वारा देखने वाली बात नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र जिसके पास थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम है, वो विजडम वाला ही इसको जानता है, इस कल्प वृक्ष के बारे में और देखता है ना। और फिर इस अध्याय के अंदर आगे भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है कल्प वृक्ष के विषय में और परमात्मा का परिचय पुनः स्पष्ट किया है कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति यानी परमात्मा की पर्सनालिटी कैसी है, उस पर्सनालिटी को स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की पर्सनालिटी क्या है। तो अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं, मैं सूर्य समान प्रकाश स्वरूप, जो 12वें अध्याय में अपनी अपना दिव्य स्वरूप दिखाया था, अभी पुनः अर्जुन को स्पष्ट करते हैं, मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, सूर्य में हूं ये नहीं कहा, अब यहां क्लियर कर दिया। साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप हूं और अग्नि की तरह तेजोमय। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों का जो तेज है लेकिन धधकता नहीं है सूर्य की तरह या अग्नि की तरह, तेजोमय जरूर लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश वाला। इस पृथ्वी पर पांचों भूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोमरस, ज्ञान रूपी सोमरस अमृत नेक्टर को हजम करने की शक्ति देता हूं। मना नहीं तो परमात्मा ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए परमात्मा ज्ञान को समझने के लिए वो शक्ति भी भगवान ही देता है ना? तो इसीलिए कहा कि इस पृथ्वी पर पांच भूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोम रस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं, जिसे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। हर आत्मा जो ज्ञान को प्राप्त करता है वो अंदर में तृप्त हो जाता है। मैं ही सर्व आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता, क्योंकि भूल गए हैं सभी, ये भी कह दिया मैं ही उनको अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता। सोल कॉन्शियसनेस क्या है, ज्ञान युक्त स्थिति जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं दोषों की विस्मृति हो जाती है, और लास्ट में जैसे ही संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो जैसे जैसे ज्ञानार्जन की प्रक्रिया अंदर में बढ़ती जाती है तो जो पूर्व की मिथ्या, माना जो मिथ्स है सारे, जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है, दोषों को विस्मृत कर देते हैं। आत्मा जैसे वो दोष को विस्मृत कर देते हैं और आत्मस्मृति जागृत हो जाती। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। स्मृति प्राप्त हुई, ज्ञान मिला, स्मृति प्राप्त हुई तो ज्ञान समाया, और ज्ञान समाने से जो पुराने विकर्म है उसकी विस्मृति हो जाती है और आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है। और फिर आगे कहते हैं भगवान, इस लोक में शरीर क्षर है, क्षर माना विनाशी है, और आत्मा अक्षर यानी अविनाशी, क्षर नहीं होती है, विनाश नहीं होती है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है, जो आत्मा
अब यहां भगवान कहते जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, संशय नहीं, नो डाउट्स, और पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा के स्नेह भरी याद में मग्न हो जाती है। जो इस अति रहस्य युक्त इतना सीक्रेट जो ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज को जो समझ लेता है, वह मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ मना संतुष्ट हो जाता है, अंदर से तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, है ना। कितना अच्छा उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो आज हम अपने आप को देखते हैं कि किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से हमारे अंदर कृतार्थ यानी एक संतुष्टता की स्थिति कि हाँ सचमुच भगवान ने हमारे ऊपर ये किया है। उसके बाद बहुत सुंदर आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, बात करते हैं और क्या कहते हैं, 16वां अध्याय, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। दैवी आसुरी स्वभाव दोनों में अंतर बताया है। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना, हरेक के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इसीलिए तो बैटल चल रही है, वॉर चल रही है, अपने अंदर ही वॉर चल रही है, जिसका रूपात्मक वर्णन वेदों में इंद्र और वत्र, पुराण में देव और दानव, बाइबल में प्रभु और शैतान, कुरान में अल्लाह और इब्लिस, हर एक धर्म में ये बैटल जरूर दिखाई है, ये बैटल जरूर दिखाई है सद्गुण और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना के बीच में दिखाया है। पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एवं सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण, चौथे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति, और 20वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक शास्त्र विरुद्ध आचरण के त्याग और शास्त्र अनुकूल आचरण की प्रेरणा ये बताई गई है। उसके आधार पर आप देखते हैं लक्षण एक एक के कि किस तरह के लक्षण को स्पष्ट किया है दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव वाले का। तो कहा कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श दिव्य गुण कौन से, तो वो दिव्य गुणों की लिस्ट बताई है, दृढ़ स्थिति माना डिटर्मिनेशन, दानशीलता दान करने की प्रवृत्ति है, इंद्रिय संयम सेल्फ डिसिप्लिन, यज्ञ यानी जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध, स्वाध्याय रेगुलर स्टडी, तपस्या सरलता, अहिंसा सत्यता, क्रोध मुक्तता, त्याग शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता विनयशीलता, दृढ़ संकल्प धारी, तेज क्षमा धैर्य, ये सारे गुण किसके हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले सुसंस्कृत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। तो ये सात्विक प्रकृति भी कहें उसको, सात्विक प्रकृति जिसको कहा जाए उसके लक्षण कहेंगे, या जिस तरह से भी अगर देखें कि किस तरह से अपने जीवन के अंदर भी हमें भगवान यही प्रेरणा देते हैं कि हमें भी ये गुण को धारण करना है, पवित्र गुण तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से भी मुक्त होना है। उसके बाद जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के लक्षण बताए उसको भी हम देखते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लक्षण कौन से हैं। तो वो मनुष्य मद में
आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य की मत में यह संसार मिथ्या है। कई लोग क्या कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, है ना, इल्यूजन मानते हैं, निराधार, और ईश्वर रहित है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये नास्तिक प्रवृत्ति जिसको कहा, या जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, ये इल्यूजन है। वे यही मानते हैं कि ये संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है। फ्रॉड की जो थियरी थी वो यही कहती है कि बस ये संसार तो बस सेक्स भोगने के लिए ही है, विषय भोग ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है। वो सोचते हैं कि नहीं, ये विकारों के वशीभूत जीवन यही होना चाहिए, क्योंकि इट्स एन इल्यूजन, और उसके सिवाय इस संसार में अन्य कोई कारण है ही नहीं, क्यों आए हैं हम। जैसे फ्रॉड की फिलॉसफी जो है वो इसी पर तो बेस्ड है, ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर दंभी ईगो, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त, माना इतना जैसे कहा जाए कि उनको इंटॉक्सिकेटेड है, इविल इंटॉक्सिकेशन है, ऐसे मद से युक्त, अशुभ संकल्प वाले, मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं से प्रवृत्त रहने वाले, मंद बुद्धि, इतना उनका मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। आज विनाश का कारण क्या है, यही लोग तो विनाश का कारण बनते हैं। उनमें न पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्यता पाई जाती है, ये आसुरी स्वभाव वाले। और उसके बाद भगवान आसुरी प्रवृत्ति वालों के और लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर, ऐसे वेब है उनके जीवन का जिसमें ऐसे उलझे हुए हैं, जो कहते हैं ना मकड़ी अपने जाल में ही मर जाती है, तो जाल में बंध कर विषय भोग की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जहां से मिले वो चीट करके भी लोगों से धन को अपने अंदर जीवन में प्राप्त करना चाहते, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्व संपन्न, हम सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है और हम कंप्लीट है, उपभोगी सिद्ध पुरुष, बलवान और सुखी है। वो यही समझते कि हमारे जैसा सुखी कोई नहीं, लेकिन उनके जैसा दुखी कोई नहीं होता है। वे सोचते हैं कि उन जैसा धनवान कोई नहीं, वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, ऐसे समझते हैं। इस तरह वे लोग अहंकार के नशे में चूर अपने नाम, मान, शान को प्राप्त करने वाले होते हैं, अपने नाम, मान, शान को ही जैसे पोसते रहते हैं, उसको सस्टेन करते जाते हैं। और फिर आगे और भी उसके लक्षण स्पष्ट किए हैं कि आसुरी प्रकृति वाले क्या होते हैं। तो दैवी प्रकृति वालों के तो सद्गुण दिखाए, लेकिन आसुरी प्रकृति वालों का अज्ञानता से भ्रमित चित वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोग में आसक्त, विषय भोग में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीते हैं। इस दुनिया के अंदर भी उनका जीवन कैसा होता है, नरक समान, अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्यात्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहते हैं। ऐसे नरक समान जीवन उनका होता है। तो ये था दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति वालों के लक्षण।
आसुरी प्रवृत्ति वालों के लक्षण तो बहुत डिटेल में भगवान ने क्लियर किया। और फिर आगे कहते हैं कि इस संसार के अंदर नरक का द्वार किसको कहा गया, तो भगवान उस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि संसार के अंदर नरक का द्वार क्या है। तो कहा इस संसार में काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार है। इससे आत्मा का पतन होता है, गिरती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। जो समझदार है उसको हमेशा ये रहता है कि ज्ञान युक्त होकर के ही मुझे कर्म करना है। और इस अध्याय के अंत में फिर जो कहा परमात्मा ने वो तो हम सभी ने देखा कि किस तरह आसुरी लक्षण वाले लोग हैं और दैवी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। तो इन बातों को स्पष्ट समझा।
लूटा।